हाउ टू वर्ड फाइल एक्सेस, अरे वर्ड फाइल सेव करें कैसे, इस ऐसा लंबा चौड़ा सेंटेंस बना के लिखना तो और भी डिटेल्स में बताएगा, मुझे इसका जरूरत नहीं पड़ता, मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, कुछ भूल जाता हूँ तो ठीक है। ये है कमांड बार, कमांड है यहाँ पे, ठीक है। ये है मिनिमाइज करने का बटन, ठीक है, इसको करोगे तो ये छोटा बड़ा होगा, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन, ये है क्लोज बटन, ठीक है। इसका कोई स्पेशल बटन है नहीं मेरे पास, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है कि विंडोज प्लस एम दबाओगे तो मिनिमाइज हो जाएगा सब कुछ, और फिर से एम दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर से दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, विंडोज एम दबा दिया सब मिनिमाइज हो गया, ठीक है। अब मेरे को दोबारा इसको खोलना है तो क्या करूंगा, विंडोज टैब मारूंगा तो ऐसा चलेगा, वाह क्या डिजाइन में खुल रहा है यार, मजा आ गया देख के, ठीक है, खुल गया, ये देखो, ये देख लो, जो सामने यहां पे दिखाई देगा ना वही खुलेगा, जैसे एमएस वर्ड सामने दिख रहा है तो क्लिक किया तो ये खुला, अब डेस्कटॉप सामने दिख रहा है तो इस पर क्लिक करूंगा तो ये खुलेगा, ठीक है। लिनक्स में भी ये बढ़िया चलता है, ऑल्ट के साथ टैब दबाओगे ना तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये देखो सामने एरो दिख रहा है ना, या फिर कंट्रोल ऑल्ट टैब मारोगे तो ये एरो की से फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे ये तो बड़े काम का बटन है जी, है ना, तो ऐसे आप कर लोगे। ये जो है इसका शॉर्टकट बटन क्या है, कंट्रोल के साथ F10 दबाऊंगा तो ये काम करेगा, ठीक कर रहा है। इसका क्या बटन है जी, एमएस वर्ड कुछ बना के हमको दिया नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दिया, क्या दिया, ऑल्ट प्लस F4, ठीक, दबाओगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से यहां क्लिक करके खोल लूंगा, ठीक है। अब रूलर बार, ये जो है ना एरिया, ये रूलर है, ठीक है, अभी देखो लिखना चाहूंगा तो यहां से लिखाएगा, इसको मैं चाहता हूं कि ऊपर से लिखा है तो ऐसे कर दूंगा, दाएं बाएं लेफ्ट राइट जितना मार्जिन वगैरह मैं चाहूं इससे मैं बना सकता हूं, ठीक। लेकिन मान लो ये रूलर बार दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करना, ये बटन छोटा सा दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना तो शो होगा, क्लिक करना तो हाइड होगा, ठीक है। यहां से भी कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी आऊंगा नहीं क्योंकि मुझे तो होम बताना होगा, पहले ये बताना होगा फिर होम फिर ये, ठीक है। ये क्या है, स्क्रोल बार, ये कौन सा स्क्रोल बार है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, है मैं तो पढ़ा ही नहीं था यार कि हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं, ये देख लो, जब ये है वर्टिकल ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक। अरे यार जिसको जवन बोलना है बोल दो, बिल्कुल आजाद देश के आजाद नागरिक हो यार, ठीक हो, मन करे तो इसी को वर्टिकल कह दो, इसी को हॉरिजॉन्टल कह दो, ठीक है। खैर छोड़ो, यहां से स्क्रॉल आप कर सकते हो वर्टिकल, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना ये बटन, इस पे क्लिक करोगे तब वो स्क्रॉल होगा, हो रहा है, ठीक है, और इस पे क्लिक करोगे तो स्क्रॉल होगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा मैं माउस ले जाऊंगा, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये इतना सारा ऑप्शन खुल जाएगा, मैं तो डर गया यार देख के, क्या करूं इतने का। ये नेक्स्ट पेज है, ठीक है, और ये प्रीवियस पेज है, इसका शॉर्टकट बटन भी शो कर रहा है, क्या, प्रीवियस पेज कंट्रोल प्लस पेज अप या डाउन, ठीक है, इस पे वही शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला इस पे मैं क्लिक करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ इस पे यहाँ पे देखो ये क्या है, पेज नंबर बता रहा है, ठीक। मैं थोड़ा दो चार दस पेज बना लेता हूं, बना लिया, यहाँ पे बता रहा है कि एमएस वर्ड में टोटल पेज नंबर कितना है, और यहाँ पे बता रहा है कि ये कैवा पेज नंबर में आपका कर्सर है, ठीक। ये क्या बता रहा है, वर्ड, ये वर्ड काउंट है तो ये वर्ड बता रहा है, ठीक है। एक क्या बता रहा है, बता रहा है जी आप कुछ भी टाइप नहीं किए हो तो कुछ एरर नहीं है, कुछ टाइप कर दिया तो ये एरर आ रहा है वही, ठीक है।
अब टाइप करते रहोगे तो वहां पेंसिल का निशान बनेगा, और बंद कर दोगे तो कुछ नहीं है, देख लो कटम का चिन्ह आ गया है कुछ, ठीक है, ऐसा आ गया, मतलब ये टाइप हो चुका है डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं, ठीक है। इस एरिया को क्या कहते हैं, स्टेटस बार, ठीक है, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड ये स्टेटस बताता है, इसलिए स्टेटस बार है, ठीक है। ये क्या है जी, किस लेआउट में इसको आप देखना चाहते हो, ठीक है, ये प्रिंट लेआउट है, ये तो रीडिंग लेआउट है, क्लोज कर देता हूं, इस पे क्लिक करना है, नहीं रीडिंग, ये फुल स्क्रीन में रीडिंग कर रहा था, ठीक है। ये क्या है, वेब लेआउट, वेबसाइट जैसे चलता है ना, उस लेआउट में देखो दिखा रहा है, ठीक है। मार्जिन वार्जिन पूरा इधर का खत्म कर दिया, अरे मार्जिन का रूलर वगैरह उधर का। और एक क्या है, आउटलाइन लेआउट, आउटलाइन लेआउट का क्या उपयोग है, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा अगर मैं रहा तो, ठीक है, जो रहेगा वो बता देगा, ठीक है। एक क्या है, ड्राफ्ट, इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का शो करेगा, मेरे को मतलब नहीं है उससे, मैं इस पे आ जाऊंगा। एक क्या है जी, ये डॉक्यूमेंट को कितना जूम करना है या कितना जूम इन करना है या जूम आउट करना है, ठीक। तो इसके बारे में तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, आ गया सबको, किसी को कोई डाउट है नहीं है, अरे भाई कुछ बोलोगे, नहीं है, आगे चले, ठीक है, शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। रीसेंट डॉक्यूमेंट में ये कुछ दिखा रहा है, जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे या खोलेंगे वो यहाँ पे दिखाई देता है रीसेंट में। आपसे हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम आप दें तो आपसे पूछा जाए कि रीसेंट में कितने डॉक्यूमेंट्स शो करता है, तो आप बेशक कह देंगे 9 डॉक्यूमेंट शो करता है, ठीक है। इधर 9 तो शो करता है, किसी में ज़्यादा भी कर देता है हायर वर्जन वगैरह में, किसी में कम भी करता है, ठीक है, लेकिन इसमें 9 शो कर देगा, ठीक है। ये पहला मेन्यू है न्यू का, इससे क्या होगा जी, इससे नया डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, इस पे क्लिक कर दो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करके इस पे क्रिएट पे क्लिक कर दो, नया डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक, बन गया ना, क्या प्रमाण है कि बन गया जी, इधर दिख रहा है डॉक्यूमेंट 2, ठीक, ये देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट 1 था, ये डॉक्यूमेंट 2 है, तो ये नया डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक। इसका कुछ शॉर्टकट बटन भी है, क्या है जी, कंट्रोल प्लस एन, ठीक, इस पे क्लिक करना, माउस थोड़ी देर रखना यहाँ पे, तो दिखाना चाहिए पर दिखा नहीं रहा है कि न्यू का शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस एन है, ठीक है। यहाँ से भी आप ले लाओ, इसमें करोगे तो कंट्रोल एन बता रहा है, ठीक है, इस पे भी क्लिक करोगे तो नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। आगे चलें, ये है ओपन, ठीक है, पहले से कोई डॉक्यूमेंट्स आपने बना के छोड़ दिया है, ठीक, तो आप इसको ओपन यहां से कर सकते हैं, शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस ओ है, ठीक है, इसका शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस ओ है या फिर कंट्रोल F12, नहीं, हाँ यही है, कंट्रोल प्लस F12 दबाओगे तो भी ओपन खुल जाएगा, ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे तो भी ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसका 2 शॉर्टकट बटन मिल गया हमें, ठीक। अब यहाँ पे भी चाहो तो इसको ले लावे, देखो आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है वाइवा में या फिर ऑनलाइन एग्जाम में कि कितने तरह से आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, तो आप बता देना, एक ठो यहाँ से कर लेंगे जी, एक ठो यहाँ से हो जाएगा, एक ठो शॉर्टकट बटन से कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ओपन के बाद है सेव, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे एक तो सेव है, दूसरा सेव एज है, ठीक है। अब क्या लेना देना है सेव और सेव एज का, एक ही तो बटन बना देता है एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एक बटन बना देता है, ठीक है। क्या इसका पीछे का साइंस है, तो डॉक्यूमेंट आपने नया बनाया, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट बनाए और सेव नहीं किए हो अभी, ठीक है, तो सेव नहीं किए, पहला बार मतलब सेव आप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप सेव पे क्लिक करें, एक मिनट यार, बस 2 सेकंड का मेरे को टाइम देना, मैं कहाँ था, भूल गया।